इसको दो तरह से ट्रीट किया जा सकता है। एक जो अक्सर लोग करते हैं कि हम ये सोच के कि इसमें फंगस है, हम पेशेंट को एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं और एस्परजिलस जो फंगस होता है उस पर जो एंटी फंगल्स एक्ट करते हैं वो देते हैं, और प्राय है पेशेंट्स को कई कई महीनों सालों तक एंटी फंगल्स पे रखा जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि यह एक कैविटी के अंदर एक गंदी बदबूदार शिट जैसी टट्टी जैसी बॉल होती है। कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन जो हम मुंह से खा रहे हैं वो ब्लड के द्वारा इसके अंदर नहीं पहुंच सकती, ना वो उस गंदे फंगस बॉल को इरेडिकेट कर सकती है। कुछ लोग ब्रोंकोस्कोपी करके उस कैविटी तक ब्रोंकस को पहुंचा के उसमें एंटी फंगल्स डालने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि शायद वो आपको मैं अभी एक एस्परजिलोमा की पिक्चर दिखा रहा हूं, अगले एक मिनट आप देखिएगा कि ये एस्परजिलोमा कैसा दिखता है। इसको देखने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि इस पर किसी भी एंटी फंगल का कोई असर नहीं हो सकता। वो जो लंग का वो हिस्सा जिसमें एस्परजिलोमा है उसको शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाला जाना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। पुराने टाइम्स में इस सर्जरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते थे क्योंकि उस समय पद्धति ठीक से डेवलप नहीं थी। वो डर अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत लोग फैलाते रहते हैं कि ये बड़ी जटिल सर्जरी है, इसमें बड़ी ब्लीडिंग होती है, इसमें बड़े रिस्क है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एट मेदांता, हम लोग इसको सालों सालों से सर्जरी के द्वारा ट्रीट कर रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च पेपर हमारे इस टॉपिक पे पब्लिश्ड हैं और इस सर्जरी को मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस के साथ पूरी सेफ्टी के साथ किया जा सकता है और व्यक्ति को वन टाइम क्योर दिया जा सकता है।